नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अगर बच्चेदानी में गठान आ जाती है जिसको यूट्राइन फाइब्रॉइड बोलते हैं और आम भाषा में बच्चेदानी में गठान या बच्चेदानी में ट्यूमर बोला जाता है, उसकी आज मैं होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा और उसके बारे में कुछ आपको जानकारी दूंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूट्राइन फाइब्रॉइड जो है वो यूट्रस में, मतलब बच्चेदानी में अगर ट्यूमर होता है तो उसको यूट्राइन फाइब्रॉइड बोलते हैं, और वो ट्यूमर बेनाइन होता है, मतलब कैंसरस नहीं होता, वो कैंसर नहीं होता, वो ट्यूमर नॉर्मल बेनाइन ट्यूमर रहता है, नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है। अब दोस्तों, वो ट्यूमर कैसा होता है? तो वो ट्यूमर फाइबर का बना हुआ होता है, मसल, मतलब मसल आपने देखी होगी, उसमें फाइबर रहते हैं, रेशेदार मसल का बना हुआ गोलाकार वो ट्यूमर रहता है, और राउंड शेप का रहता है, गोलाकार रहता है, और उसमें मसल और फाइबर और कुछ मात्रा में फैट, हल्के मात्रा में फैट मिला रहता है, और तीनों को मिला के वो ट्यूमर बनता है। और गोलाकार ट्यूमर अगर फाइब्रॉइड में, यूट्रस में रहे, सॉरी, तो यूट्रस में अगर गोलाकार ट्यूमर रहे तो उसको यूट्राइन फाइब्रॉइड बोलते हैं, और ये आम बीमारी है फीमेल्स में। आजकल ये फीमेल्स में बहुत ज़्यादा बीमारी पाई जाती है, और ये ट्यूमर यूट्रस में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बच्चेदानी में गठान जिसको बोलते हैं और हिंदी में, तो बहुत ज़्यादा आपको मिलता है, और डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं तो उसका कोई एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है, और बच्चेदानी निकालनी पड़ती है, मतलब हिस्टेक्टॉमी करनी पड़ती है, यूट्रस को पूरा निकालना पड़ता है। अब जब यूट्रस पूरा निकल जाएगा तो जो हार्मोनल डिसबैलेंस है आपके शरीर में, उसके कारण जो फीमेल्स हैं नॉर्मली मोटी हो जाती हैं, और उनको बहुत ज़्यादा, एक तो मेंसेस तो पूरे बंद ही हो जाएंगे यूट्रस निकल गया है तो, और उसके कारण हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत हो जाता है और बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। मेरे यहाँ बहुत सारी फीमेल्स आती हैं जिनको हिस्टेक्टोमी हुआ होता है, मतलब उनका यूट्रस निकल जाता है, और उसके कारण वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसका एक सोल्यूशन है कि होम्योपैथिक दवा लेनी चाहिए, और फाइब्रॉइड होम्योपैथिक दवा से बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, मतलब आपके अगर बच्चेदानी में गठान है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चेदानी की गठान क्यों होती है, इसके कारण क्या है। तो सबसे बड़ा कारण है जेनेटिक। अगर आपकी मम्मी को या नानी को हुआ हो फाइब्रॉइड तो आपको भी होने के चांसेस रहते हैं फीमेल में। तो अगर लेडीज में उनकी मम्मी को ज़्यादातर फाइब्रॉइड है तो उनको भी 90 to 95% केसेस में देखा गया है कि उनको भी फाइब्रॉइड रहती है। तो मतलब ये अनुवांशिक बीमारी है, और इसके कॉज ज़्यादा नोन नहीं है, मतलब ज़्यादा रिसर्च हुई है इसके बारे में, लेकिन ज़्यादा इसके कॉज पता नहीं चल पाए हैं। मोस्टली यही देखा गया है कि ये जेनेटिक रहती है। और दूसरा कारण देखा गया है कि मोटे लोगों को, जब ओबेसिटी ज़्यादा रहती है, जिनका वजन बहुत ज़्यादा रहता है, उनको ये फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम हो जाती है। और तीसरा ये देखा गया है कि जो रेड मीट खाते हैं, जो लाल मांस खाते हैं, उनको ये फाइब्रॉइड हो जाती है। और फाइब्रॉइड भी लाल मांस जैसे ही होता है, लाल गोला, अगर आप फाइब्रॉइड का कभी ट्यूमर देखे हो तो आप देखेंगे कि लाल टाइप का गोला होता है, और उसमें फाइबर फाइबर रहता है, और थोड़ा सा फैट मिला रहता है, गोला का गोला आकार रहता है। तो अगर लाल मांस खाने से ये ज़्यादा होता है फाइब्रॉइड, जो लाल मांस खाते हैं फैटी, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी में खाते हैं, तो उनको फाइब्रॉइड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब चलते हैं कि ये कॉज हो गया, अब चलते हैं कि इसके कारण होगा क्या। तो मोस्टली 50 to 55% केसेस में फाइब्रॉइड इतना छोटा रहता है कि सिम्टम्स ही नहीं मिलते हैं, और पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उसके बच्चेदानी में गठान है। अब ठीक है, अब अगर वो फाइब्रॉइड थोड़ा बड़ा होगा तो सबसे पहला उसको महसूस होगा मेंसेस के दौरान दर्द। तो मेंसेस के दौरान उसको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, और उसको डिसमेनोरिया बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मेंसेस के दौरान पेन होगा, और पेन के साथ साथ ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, और ब्लीडिंग 10 से 10 दिन, 12 दिन या 5 दिन बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। वो ब्लीडिंग इसलिए होगी क्योंकि यूट्रस का जो सरफेस एरिया होता है, मतलब उसका जो पूरा एरिया होगा, वो थोड़ा सा फाइब्रॉइड के कारण बढ़ जाएगा। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एंडोमेट्रियम जो होगा वो भी बढ़ जाएगा, और जब एंडोमेट्रियम शेडिंग होती है वो ज़्यादा होगी, इसलिए ब्लीडिंग ज़्यादा होगी यूट्रस में, सॉरी फीमेल्स में। तो फीमेल्स में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी फाइब्रॉइड के कारण। अब धीरे धीरे अगर फाइब्रॉइड और बढ़ता है तो वो जाके ब्लाडर को थोड़ा सिकोड़ देगा, और पेशाब बार बार लगने लगेगी, और पेशाब बार बार आपको लगने लगेगी, और उसके बाद आप बार बार पेशाब करने जाएंगे, लेकिन उस कंडीशन में आपको बर्निंग नहीं होगी, मतलब जलन नहीं होगी, सिर्फ आपको बार बार पेशाब लगने लगेगी। अगर ऐसा आपको लगता है तो आप अपना सोनोग्राफी जरूर से जरूर कराइए। अब धीरे धीरे क्या होगा, अगर और बढ़ेगा
तो यूट्रस में इतने बड़े बड़े फाइब्रॉइड होते हैं, इतने बड़े बड़े, तो अगर दो तीन इतने बड़े बड़े फाइब्रॉइड हो गए तो पेट जो है वो बाहर निकल आएगा, और उसको बोलते हैं स्यूडो प्रेगनेंसी। और इस कंडीशन में कभी कभी मेंसेस बंद हो जाता है और पेट बाहर निकल आता है, और फीमेल्स को या उनके घर वाले को ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी हो गई है, और स्यूडो प्रेगनेंसी का केस भी हो सकता है। फिर सोनोग्राफी में पता चलता है कि वो फाइब्रॉइड है, और बहुत ज्यादा बड़े बड़े फाइब्रॉइड है। मैं एक पिक्चर आपको लगा के दिखाने की कोशिश करूंगा। तो इतने बड़े बड़े फाइब्रॉइड होते हैं, इतने बड़े बड़े गोले यूट्रस में होते हैं, बच्चेदानी में इतने बड़े बड़े बाद में हो जाते हैं, धीरे 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 वो बढ़ते जाते हैं, वो फैट और फैटी डिपोजिशन है, फाइबर डिपोजिशन होता जाता है। तो प्रेगनेंसी में भी दिक्कत होगी, और अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो मिसकैरेज होने के चांसेस भी हो जाते हैं, फाइब्रॉइड यूट्रस में अगर फाइब्रॉइड है तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब चलिए कि अगर आपको फाइब्रॉइड, कैसे जानेंगे कि आपको फाइब्रॉइड है, तो अगर आपको ये चीज़ें हो रही हैं, मतलब दर्द हो रहा है या ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, सबसे ज़्यादा का तो यही होता है कि दर्द होता है मेंसेस के दौरान और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, इस केस में आप जाके सिंपली एक गायनी से मिल लीजिए और सोनोग्राफी करा लीजिए पेट का। और उसमें सोनोग्राफी कराने से आपको पता चल जाएगा कि फाइब्रॉइड है कि कोई और कॉज है, तो वो आपको वहां से पता चल जाएगा, ठीक है। और आप उसमें एक्सरे भी करा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो सोनोग्राफी ही सबसे बेस्ट है। और पेट छूने से भी आपको, नीचे साइड में पेट छूएंगे तो आपको महसूस हो जाएगा, लेकिन वो गायनी ही समझ सकती है, आप समझ नहीं सकते। महसूस कर सकते हैं तो आप एक बार छू के महसूस कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए सबसे बढ़िया टेस्ट यही होता है कि सोनोग्राफी आप करा लें। सोनोग्राफी कराने से पूरी तरीके से पता चल जाता है कि फाइब्रॉइड है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं फाइब्रॉइड में। अब चलते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी है, और बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, और लगभग 6 से, मैंने लगभग मान के चलिए कि 15 to 30 पेशेंट इतनी छोटी जगह में मैंने ठीक किए हैं फाइब्रॉइड के। और बहुत लोग आते हैं फाइब्रॉइड के, अगर उन्होंने 3 महीने या साल भर दवा ले ली है लगातार, और जब तक ठीक नहीं हो गया तब तक वो दवा लेते रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक हो जाता है फाइब्रॉइड। और उसकी मैं बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवा बताता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं होम्योपैथिक दवा के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली और सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है मदर मेडिसिन, मैं बोलता हूँ हर चीज में, तो मदर मेडिसिन है फ्रैक्सिनस अमेरिकाना। तो ये है फ्रैक्सिनस अमेरिकाना, और ये मैं रेगुलर यूट्राइन फाइब्रॉइड के केस में यूज करता हूँ, ये लगभग लगभग खत्म हो गई है। तो फ्रैक्सिनस अमेरिकाना बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, फ्रैक्सिनस अमेरिकाना, फ्रैक्सिनस अमेरिकाना मदर टिंचर, ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है यूट्रस फाइब्राइड में, मतलब बच्चेदानी में अगर गठान हो गई है तो इसके लिए मदर मेडिसिन है, और इसको तो आपको लेना ही लेना है। तो फ्रैक्सिनस अमेरिकाना 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार ले लीजिए लगभग 6 महीने तक, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको यूट्राइन फाइब्राइड के मिल जाएंगे। तो फ्रैक्सिनस अमेरिकाना 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार, और वो भी खाली पेट। तो खाली पेट लेना है 20 बूंद आधे कप पानी में फ्रैक्सिनस अमेरिकाना। और ये इसमें सिम्टम्स ही यही है कि ये यूट्राइन फाइब्राइड के पूरे पूरे सिम्टम्स मलेरिया मेडिका में इसमें लिखे हुए हैं, और यूट्राइन फाइब्राइड की ये स्पेसिफिक मेडिसिन है, सिंगल मेडिसिन है यूट्राइन फाइब्राइड के लिए फ्रैक्सिनस अमेरिकाना। अब दूसरी मेडिसिन है, सब जानते हैं नोड्यूल्स और ट्यूमर के लिए कैल्केरिया फ्लोर 6X। तो ये मेरे पास बड़ा पैक पड़ा हुआ है, आप छोटा ले सकते हैं, और बड़ा भी खत्म हो रहा है तो नया एक निकालूंगा मैं। और कैल्केरिया फ्लोर 6X ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, चार चार गोली सुबह दोपहर शाम आपको लेना है, और सुबह दोपहर शाम कैल्केरिया फ्लोर 6X आधे कप गुनगुने पानी में 4 गोली लेना है, घोलना है उसको और प्रॉपर तरीके से पीना है दिन में 3 बार, वो भी खाली पेट। तो कैल्केरिया फ्लोर 6X आधे कप गुनगुने पानी में घोल के दिन में 3 से 4 बार खाली पेट, सुबह दोपहर शाम और रात। खाली पेट का मतलब ये होता है कि खाना खाने के 1 घंटे बाद भी पेट खाली हो जाना चाहिए, और खाना खाने के 1 घंटे पहले भी आप ले सकते हैं। तो खाली पेट का मतलब ये नहीं होता कि आप खाना खा लिए तो फिर पेट खाली नहीं होगा, वो थोड़ा देर 1 2 घंटे बाद पेट खाली हो जाता है, पेट आपको सही लगने लगे, खाली लगने लगे तो फिर दवा आप ले लीजिए। तो कैल्केरिया फ्लोर 6X 4 गोली दिन में 4 बार खाली पेट आप ले लीजिए, और गुनगुने पानी के साथ लेंगे तो बहुत ही इफेक्टिव है। और तीसरी और लास्ट मेडिसिन है थूजा 200। थूजा 200 आप ये देख लीजिए, थूजा 200, इसको रात में 2 बूंद लेना है और सुबह 2 बूंद लेना है। सुबह आप जैसे उठेंगे तो 2 बूंद ले लीजिए, और रात में सोने से पहले 2 बूंद ले लीजिए। तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो फ्रैक्सिनस अमेरिकाना 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार, कैल्केरिया फ्लोर 6X
चार गोली दिन में चार बार, चाहे तो उसको गुनगुने पानी के साथ लीजिए, बहुत इफेक्टिव है। अगर थोड़ा नहीं हो पा रहा है तो आप चार गोली डायरेक्ट चूस भी सकते हैं, तो डायरेक्ट आप चार गोली चार बार चूस लीजिए, कैल्केरिया फ्लोर 6x, और थूजा 200 सुबह लीजिए, दो बूंद और दो बूंद रात को लीजिए। ये तीनों दवा फाइब्राइड के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, और आपका फाइब्राइड लगभग लगभग 6 महीने से लेकर 9 महीने के बीच में, वो बड़ा होगा तो 9 महीने लग सकते हैं, और बहुत ज़्यादा बड़ा होगा 1 साल 1.5 साल भी लग सकता है, और अगर छोटा होगा तो 1 महीने 2 महीने में भी ठीक हो जाएगा। तो वो साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा फाइब्राइड है यूट्रस में, लेकिन ठीक हो जाएगा। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, आप ले लीजिए, रेगुलर यूज़ करिए, पूरे टाइम रेगुलर टाइम टू टाइम यूज़ करिए, और साथ में टाइम टू टाइम यूज़ करने के साथ साथ आप थोड़ी चीज़ें मत खाइए, जैसे आप कच्ची प्याज मत खाइए और कॉफ़ी मत पीजिए, तो ये सब चीज़ें आप मत खाइए। कॉफ़ी खासकर मत पीजिएगा और कच्ची प्याज खासकर मत खाइएगा, रॉ ओनियन बिल्कुल में मत खाइएगा, और लौंग मत खाइएगा, और इलायची वगैरह मत खाइएगा जिसमें महक रहती है, वो चीज़ें मत खाइएगा, खासकर ये मेडिसिन लेने के साथ साथ। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो, आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों आपको। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक का बटन तुरंत बगल में दिया गया है तो उसको दबा दीजिए, और उसके बगल में एक सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको दबा दीजिए, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन ये यहाँ पर दिया गया है, तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियोज आप सब्सक्राइब अगर कर लेंगे, मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे ऐसे ही वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे, हेल्थ रिलेटेड, मेडिसिन रिलेटेड और होम्योपैथिक रिलेटेड। तो वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है तो उसको बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और शेयर करना वीडियो को बिल्कुल मत भूलिएगा, अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, तो कमेंट भी कर दीजिए। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।